जुड़िए उत्तर प्रदेश से, जानिए उत्तर प्रदेश को, सब्सक्राइब करें यूपीसीडी न्यूज को। बॉलीवुड अभिनेत्रियों की तरह भोजपुरी अभिनेत्रियां भी अपनी लोकप्रियता का लोहा बनवा चुकी हैं। वो सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लोकप्रिय हो चुकी हैं। उनके अभिनय की तारीफ दूर दूर तक होने लगी है। इन्हीं सब में एक हैं अक्षरा सिंह, जो अपने अभिनय के बलबूते पर सबकी पसंदीदा अदाकारों में शुमार हो गई हैं। उन्होंने भोजपुरी फिल्मों के अलावा हिंदी टेलीविज़न में भी काम किया है, लेकिन उन्हें वो शोहरत न मिल सकी। अक्षरा ने अपने करियर की शुरुआत भोजपुरी फिल्म सत्यमेव जयते से की थी, जिसने उन्हें रातों रात सितारा बना दिया। अक्षरा अब तक 50 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। बता दें कि अक्षरा सिंह का जन्म 30 अगस्त 1993 को मुंबई में हुआ था, लेकिन वह मूल रूप से बिहार पटना की रहने वाली हैं। उनके पिता का नाम विपिन इंद्रजीत सिंह और माता का नाम नीलिमा सिंह है। अक्षरा सिंह के पिता विपिन सिंह भी भोजपुरी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता रह चुके हैं। इसके अलावा उनकी माँ नीलिमा सिंह भी एक अभिनेत्री थी, यानी कि अभिनय उनको विरासत में मिली है। अक्षरा को बचपन से ही अभिनय का खूब शौक रहा है। उन्होंने बचपन में ही थिएटर का काम करना शुरू कर दिया था। 16 साल की उम्र तक वह डांस और अभिनय में पारंगत हो चुकी थी। वहीं अक्षरा सिंह ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 2010 में आई भोजपुरी फिल्म सत्यमेव जयते से की थी। इस फिल्म ने उन्हें भोजपुरी सिनेमा की सुर्खियों में ला दिया। यह फिल्म को करने के बाद अक्षरा सिंह ने सौगंध गंगा मैया की। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसमें अक्षरा को खूब तारीफें मिली। 2013 में अक्षरा ने 3 फिल्मों दिलेर, हम हैं बांके बिहारी, ए बलमा बिहार वाला में अभिनय किया। यह फिल्में करने के बाद वह दर्जनों भोजपुरी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, जिसमें वे पवन राजा, त्रिदेव, दिलवाला, धड़कन, सत्या प्रमुख हैं। अक्षरा आज भोजपुरी सिनेमा की बड़ी अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनकी खूबसूरती के लाखों दीवाने हैं। मोनालिसा, संभावना सेठ और अमरपाली दुबे के बाद अक्षरा सिंह एक ऐसा नाम है जिन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को इंटरनेशनल स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है। अक्षरा सिंह फिल्मों में अभिनय करने के अलावा एक अच्छी गायिका भी हैं। उनके द्वारा गाए गए गाने जिस पगले को दिल से चाहा को करोड़ों लोग देख चुके हैं। फिल्मों में उनकी जोड़ी पवन सिंह के साथ खूब पसंद की जाती है। वह अपने अभिनय, डांस स्किल से भोजपुरी सिनेमा में धूम मचा रही हैं। अक्षरा एक फिल्म के लिए 5 से 8 लाख रुपए चार्ज करती हैं। भोजपुरी फिल्मों में काम करने के अलावा साल 2015 में अक्षरा सिंह ने टेलीविज़न की दुनिया में कदम रखा। वह GTV चैनल पर आने वाले शो काला टीका में नजर आईं। इस शो में उनकी खूबसूरती को खूब सराहा गया, जिसके बाद वह सोनी चैनल के शो सूर्यपुत्र कर्ण में भी नजर आईं। अक्षरा ने टेलीविज़न शो सर्विस वाली बहू में गुलकंद अयोध्या प्रसाद का किरदार निभाया था, लेकिन हिंदी टेलीविज़न की दुनिया में उन्हें उस तरह की शोहरत कभी नहीं मिली जिस तरह उन्हें भोजपुरी सिनेमा में मिली। वहीं अक्षरा सिंह का विवादों से भी एक नाता रहा है। भोजपुरी सिनेमा में उनकी जोड़ी पवन सिंह के साथ खूब पसंद की जाती थी, लेकिन अक्षरा ने पवन सिंह पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उनके अनुसार पवन ने उनके बाल पकड़कर उनको घसीटा और गंदी गंदी गालियां देते हुए उनका सिर दीवार में मार दिया। अक्षरा सिंह की पॉपुलरिटी उनके सोशल मीडिया के फॉलोवर्स देखकर ही पता लगाई जा सकती है। अक्षरा के इंस्टाग्राम पर लाखों की संख्या में फैन हैं। वह ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट पर काफ़ी एक्टिव हैं।